नमस्कार, मैं जिग्नेश ऑल्ट न्यूज से। जब आप आलू और सोने के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में कौन सा चेहरा आता है? क्या वो राहुल गांधी नहीं है? हमने सोशल मीडिया पर कई ऐसे मीम्स देखे हैं जिसमें आलू और सोने की मशीन और राहुल गांधी को लेकर चुटकुला कहा गया हो। यहाँ पर ऑल्ट न्यूज में हम देखते हैं कि कोई भी जानकारी जो वायरल जाती है वो अपने मूल स्वरूप में ना रहकर दूसरे स्वरूपों में, जैसे कि ओपिनियन, कमेंट्री, वीडियो या मीम्स में फैलाई जाती है। राहुल गांधी और आलू और सोने की मशीन को लेकर बनाए गए इस जोक को आपने ज़रूर सुना होगा। ये कुछ ऐसे जोक्स में से एक जोक है जो आपको किसी ना किसी ने सुनाया होगा, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। बात है नवंबर 2017 की, जब राहुल गांधी गुजरात के पाटन में एक चुनावी रैली में आलू और सोने की मशीन का जिक्र करते हैं। कुछ ही समय बाद भाजपा के कई नेता उनके इस आलू और सोने की मशीन के जिक्र से संबंधित एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं। आइए देखते हैं क्या था क्लिप। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। तो यहाँ आपने देखा वो वीडियो जिसकी वजह से राहुल गांधी और आलू और सोने की मशीन को लेकर कई सारे चुटकुले सोशल मीडिया पर कहे गए। ये वीडियो भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा, भाजपा के सोशल मीडिया हेड अमित मालविया ने भी साझा किया था, जिसके बाद ये क्लिप सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। लेकिन एक खास बात यह है कि ये वीडियो में एक खास हिस्सा काट दिया गया था, जहां पर राहुल गांधी यह कहते हैं कि ये मेरे शब्द नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द हैं। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। इस साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। ये ध्यान दिया जा सकता है कि राहुल गांधी का दावा राजनीतिक बयानबाजी के बराबर है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कभी ऐसा बयान देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये वीडियो एक ऐसा उदाहरण है जहां पर सोशल मीडिया उपयोगकर्ता, जिनकी बड़ी तादाद में फॉलोइंग है और जो सोशल मीडिया पर अलग प्रभुत्व रखते हैं, वो दुष्प्रचार फैलाकर कैसे समाज पर प्रभाव डालते हैं और झूठ को सच बना देते हैं। धन्यवाद।